जब से देश के सामने नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आए हैं, प्री मेडिकल नीट एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आए हैं, तब से देश भर के युवाओं में भारी गुस्सा है, भारी रोष है। कई प्रकार की अनियमितताएं बाहर आई है नीट रिजल्ट्स को लेके, जो एक तो समझ से बिल्कुल परे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि देश के इतिहास में, देश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के इतिहास में इतनी बड़ी गड़बड़ियां बाहर आई। आप सोचिए, देश के इतिहास में हर साल, जब से देश आजाद हुआ है, हर साल कितनी दर्जनों नेशनल लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, लेकिन 4 जून में, 4 जून को जब नीट परीक्षा के रिजल्ट्स बाहर आते हैं, तो इतने बड़े सवाल आज देश के युवा भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार से पूछ रहे हैं, जो मेरे ख्याल से आज तक ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे गए। ये बहुत दुखद घटना है। लेकिन ये जो बड़ी गड़बड़ियां बाहर आई है, ये केवल 4 जून को नहीं आई है। इसको मैं सिलसिलेवार पहले बता देता हूं कि 2024 की जो नीट एग्जाम है, उसमें जो गड़बड़िया का पूरा क्रोनोलॉजी है, वो जब से एग्जाम हुई थी तब से बाहर आया है। 5 मई को नीट की एग्जाम हुई थी इस देश में। कुल 24 लाख कैंडिडेट्स ने ये एग्जाम दी थी, 24 लाख कैंडिडेट्स ने। 5,000 सेंटर्स में ये एग्जामिनेशन हुई थी। उसी दौरान दो ऐसी घटनाएं बाहर आती है। पहली आती है बिहार में, जहां पे एक पेपर लीक का मैटर बाहर निकल के आता है। बिहार की पुलिस तुरंत 13 लोगों को अरेस्ट करती है। उसके बाद गुजरात से एक हादसा आता है, वहां पे भी एक पेपर लीक की घटना बाहर निकलती है नीट की परीक्षा को लेके, वहां पे भी 3 लोग अरेस्ट होते हैं। लेकिन ये घटना घटने के बाद आज तक केंद्र सरकार या इन दोनों राज्यों की सरकारों ने ये बताया नहीं है कि क्या पेपर लीक हुआ था, कहां तक पहुंचा था, कितने लोगों तक ये लीक पेपर पहुंचा था। इस पे कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, ना ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA जो नीट कराती है, ये भी इस मैटर पे पूरी तरह से चुप है। तो एक तरफ आपने लोगों को अरेस्ट कर दिया है, और दूसरी तरफ आप ये बोल भी नहीं रहे हैं कि नहीं पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। तभी से नीट 2024 की परीक्षा पर सवालिया निशान खड़े होने शुरू हो गए। और दोस्तों, जब 4 जून को रिजल्ट्स बाहर आए नीट एग्जाम के, तो मेरे ख्याल से जितना भी संदेह था, ये पूरी तरह से हट गया। ऐसा लग रहा है कि देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ इससे पहले नहीं हुआ। हमें लगता है नीट एग्जामिनेशन में गड़बड़ियां नहीं हुई है, एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं आपको बता दूं। पिछले 4 दिनों से केवल एक मुद्दा देश के युवा डिस्कस कर रहे हैं कि जो रिजल्ट्स आए हैं, इनमें इस प्रकार की गड़बड़ियां कैसे निकल सकती हैं। पहली गड़बड़ी, जिस एग्जाम में अनुमन हर साल 2 टॉपर 3 टॉपर घोषित हुआ करते थे, इस साल 67 टॉपर, जिनको 720 में से 720 मार्क्स मिले, वो घोषित हुए। मैं तो आज भी दंग हूं। 720 में से 720 मार्क्स, 100% मार्क्स देश के इतिहास के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं मिले किसी इतने बच्चों को, लेकिन नीट के एग्जाम में मिल गए। पिछले सालों की अगर बात करें तो 2023 में केवल 2 कैंडिडेट्स को फुल मार्क्स मिले थे, 2022 में 4 कैंडिडेट्स को टॉपर घोषित किया गया था, और 2021 में 3 कैंडिडेट्स को टॉपर घोषित किया था। लेकिन सडनली 67 टॉपर्स। दूसरी बात, इसमें यह भी पता चलता है कि जो 67 टॉपर में से जो 6 टॉपर थे, वो झज्जर हरियाणा के एक सेंटर से निकल गए। यह भी देश में पहली बार हो रहा है कि इतने सारे टॉपर्स बच्चे, जिस परीक्षा में 24 लाख कैंडिडेट्स ने अपियर किया, 5,000 सेंटर्स में अपियर किया, 67 टॉपर निकलते हैं, लेकिन 6 टॉपर एक ही सेंटर से क्यों निकलते हैं? रिमेनिंग जितने टॉपर्स हैं, 61 टॉपर्स, वो सारे एक एक सेंटर से निकलते हैं, लेकिन 6 टॉपर हरियाणा के झज्जर सेंटर से निकलते हैं।
और एक चीज बाहर निकल के आई पिछले तीन दिनों कि इस झज्जर हरियाणा के सेंटर में कई ऐसे छात्र हैं जो अपना होम स्टेट छोड़कर दूसरे स्टेट में झज्जर हरियाणा में एग्जाम देने ही जाते हैं। आप सबको पता होगा इन बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर छात्र हर कैंडिडेट अपने घर से नियरेस्ट सेंटर प्रेफर करता है। कोई भी कैंडिडेट एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जाता एग्जाम देने के लिए, इसलिए 5000 सेंटर खोले गए एग्जाम के लिए। लेकिन झज्जर हरियाणा में बाहर के स्टेट के कैंडिडेट्स आ जाते हैं और वहां से कह रहे हैं कि केवल 6 टॉपर्स नहीं, टॉप 100 में से भी कई और छात्र हैं जो इस झज्जर हरियाणा के सेंटर से निकलते हैं। और चीजें निकल के आ रही है पिछले तीन दिनों में, ऐसा स्कोरिंग पैटर्न निकल के आ रहा है जो समझ से परे है। नीट एग्जामिनेशन में हर सवाल के 4 मार्क्स होते हैं, अगर आप गलत देते हो तो -1 होता है। लेकिन कई ऐसे छात्र हैं जिनको 719 मार्क्स मिले, 718 मार्क्स मिले हैं, ऐसे ऐसे मार्क्स मिले जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में बैठते ही नहीं है। सारे वो कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दी थी, परीक्षा दी थी, वो दंग है कि ऐसे कैसे मार्क्स कुछ बच्चों को मिल जाते हैं जो समझ के परे है। जब सवालों का पहाड़ टूट पड़ा, NTA ने कोई बाहर आके इसका स्पष्टीकरण नहीं किया, जब रिजल्ट आए, जब दबाव पड़ा, तब पता चलता है कि NTA ने ग्रेस मार्क्स दे दिए। कहते हैं कि एग्जामिनेशन में कुछ टाइम लॉस हुआ था कुछ बच्चों का, तो हमने अपने फॉर्मूले के हिसाब से ग्रेस मार्क्स दे दिए। अब ये रिस्पॉन्स NTA का और ज्यादा सवाल पैदा करता है। NTA की गाइडलाइंस में ग्रेस मार्क्स का कोई प्रावधान नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपने सडनली ओवरनाइट, और वो भी कह रहे हैं कि नहीं, हमने केवल 4 राज्यों के कुछ सेंटर्स, 4 या 5 सेंटर्स के बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए, ये आपने कैसे तय कर लिया, इसका फॉर्मूला कैसे तय कर लिया? जब सवाल पूछा गया कि कितने बच्चों को मिले ग्रेस मार्क्स, तो पता चलता है 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, और इनमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको 100 मार्क्स तक ग्रेस में मिले हैं। ये देश के इतिहास में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, ये बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और इसके चलते जिन जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं वो लाखों की संख्या में मेरिट लिस्ट में ऊपर हो जा रहे हैं। जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं, सालों की मेहनत के बाद जो अपने मार्क्स मिले हैं, लेकिन वो देखते हैं कि कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले और वो बहुत ही आगे चले गए, उनके सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। जब से देश के युवा भारतीय जनता पार्टी और उनकी केंद्र सरकार को ये सवाल पूछ रही है, तो पूरी की पूरी भाजपा चुप है। देश के युवाओं के जज्बातों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुप है। ये बहुत गंभीर घटना है, क्योंकि देश का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का ढांचा है, आज से पहले इतने बड़े सवालिया निशान कभी नहीं पूछे गए। भाजपा हमेशा क्या कहता था कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन आज पूरी दुनिया देख रही है। ये नीट की परीक्षा ऐसी परीक्षा है जिसको पूरी दुनिया देखती है। एक JEE की परीक्षा होती है, नीट की परीक्षा होती है, पूरी दुनिया आज देख रही है कैसे भारतीय जनता पार्टी, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करती है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम ढंग से नहीं करवा पा रही। आज केंद्र सरकार की इन हरकतों की वजह से, इनकी चुप्पी की वजह से, इनकी नॉन ट्रांसपेरेंट एक्शन की वजह से, बहुत दुख के साथ ये मैं कह रहा हूं कि देश की पूरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो व्यवस्था है, एग्जामिनेशन सिस्टम का जो ढांचा है, उस पर विश्वसनीयता लोगों की कम हो गई है। ये बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत बहुत दुखद मुद्दा है। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है कि भाजपा की देखरेख में पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल या निशान पैदा हो रहे हैं। भाजपा का लंबा इतिहास रहा है, आप देखते जाइए। सबसे पहले आता है गुजरात, 25 साल से ऊपर से इनकी सरकार है गुजरात में। गुजरात में कहते हैं पेपर लीक
एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। पिछले 11 सालों में 11 बार पेपर लीक हो चुके हैं एग्जामिनेशंस के गुजरात में। यही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि हम देश को कहां से कहां पहुंचा देंगे। अपने गुजरात में भी ये लोग पेपर एग्जामिनेशन नहीं करवा पाते हैं ढंग से। जनवरी 2023 में पंचायत जूनियर क्लर्क का एग्जामिनेशन हुआ था गुजरात में, 10 लाख कैंडिडेट्स ने अपियर होना था, पेपर लीक हो गए, खत्म, उनका भविष्य अंधेरे में। नवंबर 2019 में गुजरात सबऑर्डिनेट सर्विसेज बोर्ड एग्जाम का पेपर होना था, वो भी लीक हो गया, 6 लाख कैंडिडेट्स थे जिनका भविष्य अंधेरे में चला गया। कुल 11 ऐसे पेपर लीक हुए हैं गुजरात में पिछले 11 सालों में। यूपी की बात कर लें, यहां पे भी भाजपा की डबल इंजन सरकार कहते हैं, काफी डिंडोरा पीटते हैं कि हमने यूपी में ये कर लिया वो कर लिया। क्या दिखाता है डेटा? दिखाता है कि यूपी में भी हाल ही में फरवरी 2024 में पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ। वहां पे कितने उम्मीदवार थे, कितने कैंडिडेट्स थे? 48 लाख नौजवान थे। सोचो उनके ऊपर क्या बीती होगी, उनके परिवारों के ऊपर क्या बीती होगी, जो सालों से ये आस लगाए बैठे थे कि हमारा बेटा हमारा बेटी अब एग्जाम की तैयारी कर रही है और जरूर उन्हें नौकरी मिलेगी। 2021 में भी उत्तर प्रदेश का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट था, वो भी पेपर लीक हो गया, 21 लाख कैंडिडेट्स का भविष्य अंधेरे में चला गया। तो दोस्तों, भाजपा का ये इतिहास रहा है, इन्होंने कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पूरी व्यवस्था को मजबूत करने का तो काम छोड़ ही दो, इसको केवल और केवल कमजोर करने का काम किया है। और एक बड़ी चीज जो निकल के आ रही है, ये सारे जितने भी आरोप लग रहे हैं नीट एग्जाम के ऊपर, कि सारी अनियमितियां भाजपा शासित राज्यों में मिल रही है। आप इस चीज पर गौर कीजिए। पेपर लीक का सबसे पहला मुद्दा कहां आता है? पटना से आता है। पटना में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, भाजपा की सरकार है। दूसरा आता है पेपर लीक का मुद्दा गुजरात से। गुजरात में तो एक इंडस्ट्री है ऑर्गेनाइज क्राइम की, हर साल ढेरों पेपर लीक होते हैं, तो नीट का भी पेपर लीक होना था, वहां पर भी भाजपा की सरकार है। हरियाणा के झज्जर सेंटर से जो सबसे बड़े सवाल वहां से पैदा हो रहे हैं, हरियाणा की सरकार किसके अंदर है? भाजपा के अंदर है। तो कहीं ना कहीं ये साफ होते हुए दिख रहा है कि ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, छोटा मोटा स्कैम नहीं है, ये भाजपा द्वारा शासित सरकारों के कोऑपरेशन में या भाजपा के नेताओं के सांठ गांठ से कुछ घोटाला होते हुए दिखाई दे रहा है। मैं आज आम आदमी पार्टी की तरफ से देश के युवाओं को यह बताना चाहता हूं कि हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं। हमें पता है कई युवा सुप्रीम कोर्ट गए हैं क्योंकि सरकार ने तो जवाब देना बंद कर दिया, चुप्पी धारे हुए हैं। हम देश के युवाओं के साथ, उनके भविष्य की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं। हम जितना सपोर्ट कर सकते हैं, हम पूरी ताकत से इनको सपोर्ट करते हैं। दूसरा, हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि इस मैटर का आप संज्ञान लीजिए, इस पूरे स्कैम में उच्च स्तरीय इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, SIT बनानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक SIT का गठन होना चाहिए। इससे कम अगर कोई जांच होती है, भाजपा की पुलिस या भाजपा की CBI करती है, तो उस पर आज देश को विश्वास नहीं रहा है। वो केवल भाजपा के लोगों को बचाने का काम करेंगे। हम मांग करते हैं कि जितना बड़ा घोटाला हुआ है, 25 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में एक SIT बननी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और अंत में मैं भाजपा से कहना चाहूंगा कि आपने नीट 2024 की परीक्षा में, परीक्षा होते वक्त और रिजल्ट्स निकलते समय जितनी गड़बड़ियां हुई हैं, उससे आपने देश के युवाओं की भावनाओं को बहुत ठेस पहुंचाया। ये लोग गुस्सा हैं, रोषित हैं। भाजपा बाहर आए, अपनी गुफा से बाहर आए और देश के युवाओं से माफी मांगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमसे गलती हो गई। और इन अनियमितियाओं के पीछे, इन गड़बड़ियों के पीछे जो जो लोग दोषी पाए जाते हैं, उनसे सख्त के सख्त उनको सजा मिले। बहुत बहुत